यूपी के मैनपुरी में यहाँ एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद तेज प्रताप यादव ने भाजपा को किसान विरोधी करार दिया। कहा कि समाजवादी पार्टी पूरी दमदारी से किसानों के साथ खड़ी है। पूर्व सांसद तेज प्रताप यादव निजी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए गांव जिरौली पहुंचे, जहां उनका लोगों ने बुके भेंट कर स्वागत किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार किसान विरोधी सरकार है, बीजेपी उद्योगपतियों की सरकार है, जिसमें गरीब और असहाय दो जून की रोटी के लिए मोहताज है। पूर्व सांसद तेज प्रताप यादव पत्रकारों से रूबरू हुए। उन्होंने कहा किसानों को तीन काले कानून लाकर परेशान किया जा रहा है। 3 माह से किसान आंदोलन कर रहे हैं, पर कोई सुनने वाला नहीं है। गैस, डीजल, पेट्रोल, खाद, बीज के दामों में लगातार बढ़ोतरी जारी है, महंगाई चरम पर है। उन्होंने आगे कहा आने वाले 2022 में समाजवादी पार्टी प्रदेश में पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। लगातार आंदोलन पर चलते बैठे हुए हैं और लगातार सरकार का विरोध कर रहे हैं, सर क्या कहेंगे आप? जब तक ये तीनों काले कानून वापस नहीं होंगे जी, किसानों की जायज़ मांगे हैं, जो उनकी समस्याएं हैं, जब तक उसके निराकरण की बात सरकार नहीं करेगी, तब तक सभी किसान जो है आंदोलन रहेंगे और लगातार। आपकी पार्टी कितना किसानों को समर्थन दे रही है? से समाजवादी पार्टी ने माननीय राष्ट्रीय किसानों के आंदोलन में संपूर्ण समर्थन दिया है और लोगों ने आह्वान भी किया, जितने भी किसान हर क्षेत्र से हैं उनको वहाँ लगातार पहुँच रहे हैं, पार्टी की तरफ से मदद हो रही है और हमारी जो मांगे हैं किसानों की मांगों के साथ में हम लोग खड़े हैं और पूरा समर्थन। सर आगामी चुनाव जो है ना विधानसभा का आने वाला है 2022 में, सर समाजवादी पार्टी अपना किस तरह का स्थान करेगी उत्तर प्रदेश में? भाजपा की नीतियाँ नहीं, 5 साल की सरकार जो है 4 साल से निकल चुकी है, 4 सालों में हर वर्ग का व्यक्ति, चाहे किसान हो, नौजवान हो, छात्र हो, व्यापारी, बहुत उनको सरकार की नीतियों का खामियाजा भुगतना पड़ा। नौकरियाँ मिल नहीं रही, किसानों को उनकी लागत का मूल्य मिल नहीं रहा, व्यापारी परेशान है, तो कहीं ना कहीं लोग समाजवादी पार्टी की ओर और माननीय राष्ट्रीय जी की ओर देख रहे हैं और विकल्प के रूप में सबसे बड़ी पार्टी पूर्ण बहुमत से समाजवादी पार्टी सरकार बना।